वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम आप सभी बच्चों को हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है तो संडे को जैसे कि हमेशा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं पूरे हफ्ते की, तो आज हम 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के अंतराल जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनएस सबमरीन बिकम्स द फर्स्ट वन टू डॉक इन इंडोनेशिया। इनमें से वो कौन सी आईएनएस सबमरीन है जो कि हाल ही में कहां गई है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर गई है। कहां पे? इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर गई है। कब गई है भैया ये? तो ये गई है 22 से लेकर 24 फरवरी के बीच में। कौन सी सबमरीन गई है? तो आईएनएस सिंधु केसरी। ये कौन सी क्लास की है? तो आईएनएस सिंधु घोष क्लास की है। कौन सी क्लास है? सिंधु घोष क्लास की ये सबमरीन है प्यारे बच्चों, क्लास की ये सबमरीन है। और ये किस टाइप की सबमरीन है? तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, अटैक सबमरीन है। ध्यान रखना जो सिंधु केसरी सबमरीन कहाँ गई है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर गई है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो सिंधु घोष क्लास, जिसको कमीशन किया गया था 1986 के अंदर इंडियन नेवी को इसे सौंपा गया था। ठीक है, इसके अंदर यानी कि सिंधु घोष क्लास के अंदर आपको 10 सबमरीन्स टोटल बनी थी। 10 सबमरीन्स जो है ये आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से 3 सबमरीन्स जो है ये डीकमीशन कर दी गई हैं और 7 सबमरीन जो है ये अभी भी क्या है, वर्किंग है। 7 सबमरीन जो है ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सिंधु केसरी, ठीक है, जो कि सिंधु घोष क्लास से बिलोंग करता है। आगे पूछ रहा है कि सेकंड एडिशन ऑफ अफ्रीकन इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन विच मंथ। ठीक है, अफ्रीकन इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है प्यारे बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आयोजन होने वाला है, कौन सा एडिशन है इसका, तो ये इसका दूसरा एडिशन है। ठीक है, बोल रहा है कि इसका आयोजन कहां पे और कब होने वाला है। तो इसका आयोजन होने वाला है कब? 21 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में। ठीक है, और ये होगा कहां पे? महाराष्ट्र पुणे के अंदर प्यारे बच्चों, पुणे के अंदर आपको एक एयरफोर्स बेस देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑन द मिलिट्री स्टेशन। और यहीं पे जो है ये इसका दूसरा एडिशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग अफ्रीका के 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। 20 कंट्रीज जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये एक्सरसाइज किसके लिए है प्यारे बच्चों? तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो लैंड माइंस होती हैं इसको कैसे डिफ्यूज किया जाता है, इन सब की ट्रेनिंग इसमें की जाएगी। ठीक है, तो मार्च में ये एक्सरसाइज की शुरुआत होगी। मार्च 21 से लेकर 30 मार्च तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? तो पुणे के अंदर आपको औंधा मिलिट्री स्टेशन मिलेगा, वहां पे इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं। Who chaired the 41st edition of प्रगति? प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन किसका? तो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसका। ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए प्रगति को लॉन्च किया गया है। ये इसका कौन सा नंबर का एडिशन हो जाएगा? 41st नंबर का एडिशन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर इस मीटिंग को चेयर किसने किया है, इस मीटिंग को होस्ट किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो प्रगति का जो 41st एडिशन है इसको चेयर किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो सेम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 2015 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर रिव्यू किया जाता है कि जो आने वाली पॉलिसीज और प्रोग्राम्स थे वो कैसे काम किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो पब्लिक है उनकी जो समस्या है ना, पब्लिक की जो समस्या है उनको भी सुना जाता है, यानी कि पब्लिक की जो समस्या है उसका भी सॉल्यूशन इसमें किया जाता है। तो इस मीटिंग को चेयर कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं।
सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल हम सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो एक बॉडी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि 24 फरवरी 1949 के एक्ट के तहत बनाई गई थी। इस बॉडी का नाम क्या हो जाएगा? इस बॉडी का नाम हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एक बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कौन से एक्ट के तहत? तो 24 फरवरी 1949 के एक्ट के तहत। और इसी दिन यानी कि 24 फरवरी को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं मेरे बच्चों? तो पहले जानो सेंट्रल एक्साइज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो जीएसटी जो है ये इसी के अंदर आ जाता है, सारी चीज़ें जीएसटी से रिलेटेड। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी यही देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी यही देखने का काम करते हैं। और हर साल हम 24 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट करते हैं। बॉडी ध्यान रखना सीबीआईसी, ठीक है, सीबीआईसी जो है इस बॉडी का नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्च गेट रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर, चर्च गेट रेलवे स्टेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? चर्च गेट रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के सीएम क्यों कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे जी जो है महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे। हाल ही में अगर आपको याद हो कि शिवसेना का जो नए प्रेसिडेंट है वो भी किसको बनाया गया है? एकनाथ शिंदे जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इनकी पार्टी को नया क्या मिला है? नया जो है वो चिन्ह मिला हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। साथ ही साथ ये जो चर्च के रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। सीडी देशमुख जी कौन थे भैया? तो ये हमारे देश के पहले गवर्नर हो जाएंगे। किसके? आरबीआई के पहले जो गवर्नर हैं वो कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख जी, ठीक है। तो इनके नाम से जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जा रहा है। कुछ और नाम के चेंजेस हुए हैं, जैसे जो औरंगाबाद है इसका नाम क्या होने वाला है? संभाजी नगर होने वाला है। उस्मानाबाद का नाम होने वाला है धाराशिफ। तो ये कुछ डिसीजंस लिए गए हैं महाराष्ट्र कैबिनेट के अंतर्गत। आगे पूछ रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है प्यारे बच्चों? तो हमारे देश के अंदर जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हमारे देश के कौन हो जाएंगे? तो हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। ये बॉडी क्या काम करती है? तो ये जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की ऑडिट करने का काम करती है। अकाउंट्स का जो ऑडिट का काम होता है, या मैं कहूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा है उसको रखने का काम कौन करेगी? तो क्या करेगी? अब बोल रहा है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन का? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उसको फिक्स करने का काम करती है। लेबर स्टैंडर्ड्स मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी लोग, यहाँ पे लेबर का मतलब सिर्फ लेबर नहीं है, यहाँ पे लेबर का मतलब है वर्किंग लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनको कौन कौन से कितने घंटे उनको काम कराया जा सकता है, इन सभी स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने का काम कौन करेगी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी कमांड रेज द फर्स्ट मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल रेजिमेंट। बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सी आर्मी कमांड? आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी जो है प्यारे बच्चों इनके हेड कौन हो जाएंगे? मनोज पांडे जी जो है ये कौन हो जाएंगे? इंडियन आर्मी के अभी चीफ हो जाएंगे। इंडियन आर्मी के अंदर आपको सात कमांड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से छः तो कमांड्स होंगे और एक होगा ट्रेनिंग सेंटर। इसी में से जो एक कमांड है कौन सा? ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोलकाता के अंदर।
यहीं पे क्या स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि इसी ईस्टर्न कमांड के द्वारा क्या स्टैब्लिश किया गया है, तो ईस्टर्न कमांड के द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल रेजिमेंट को स्टैब्लिश किया गया है ना, एक नया रेजिमेंट को स्टैब्लिश किया गया है, कौन सा, तो मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल को स्टैब्लिश किया गया है। और ये लोग कौन सा वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो ये लोग अभ्र वेपन को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो अभ्रा वेपन को इस्तेमाल कर रहे हैंगे, इसको बनाया है किसने, तो इसराइल की एक कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो अभ्रा वेपन को इस्तेमाल करने वाले हैं कौन, तो ईस्टर्न कमांड के द्वारा जो पहला सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल रेजिमेंट को बनाया गया, एक नया रेजिमेंट बनाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ रेजिंग डे। सीआरपीएफ रेजिंग डे को हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल सीआरपीएफ रेजिंग डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 19 मार्च को हर साल हम सीआरपीएफ रेजिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार इसका सेलिब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो सीआरपीएफ रेजिंग डे हर साल 16 मार्च। आगे बढ़ते हैं, हु प्रेजेंटेड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2019-2020 और 2022। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये प्रेजेंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, कौन कौन से साल के लिए, 19, 20, 21 के लिए, क्योंकि ये वो दौर था जब क्या था, COVID-19 था, ठीक है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि 2019, 20 और 21 के लिए एक और अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम मुझे बताओ, है ना, एक और अवार्ड दिया गया था 3 साल के लिए, वो कौन सा अवार्ड था, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड दिया गया था ये 3 साल के लिए, किसके द्वारा, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, जो कि हमारे कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय संभालते हैं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, 2019 का, 2020 का, 2021 का क्या अवार्ड दिया जा रहा है, तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके अंदर दो अवार्ड दिए जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, इसके अंदर दो अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और एक दिया जाता है संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड कितने लोगों को दिया है, तो 8 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और ये कितने लोगों को दिया गया है, तो 128 लोगों को दिया है, ठीक है। इसके अंदर 3 लाख रुपया मिलता है, इसके अंदर आपको 1 लाख रुपया मिलता है। तो अवार्ड हाल ही में दिया गया है किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। आगे, हु रिसेंटली वॉन अर्जेंटीना ओपन, ठीक है। आपको सभी को पता है कि 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और एक का आप नाम मुझे बताओ, ठीक है। हाल ही में आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2023 वाला है वो किसने जीता था, वो जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं, और ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। 22 ग्रैंड स्लैम वाले इकलौते और प्लेयर कौन से हो जाएंगे, रफाइल नडाल, ठीक है। ये कहाँ से हैं, तो ये हैं स्पेन से, इनके पास भी 22 ग्रैंड स्लैम है। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है वो किसके पास है, विलियम्स के पास है, सेरेना विलियम्स के पास है, कितनी है, तो 23 ग्रैंड स्लैम्स हैं, ठीक है। अब अर्जेंटीना ओपन जो है ये ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आता है, बट हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। याद करो 2022 में भी इसने ग्रैंड स्लैम भी जीता था, कौन से देश से है ये, तो ये आपके स्पेन से बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा, स्पेन से बिलोंग करेगा। आगे बढ़ते हैं, किसको हराया है, तो इनको हराया है, कैमरून नॉरी को। आगे, हु विल होस्ट द फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द आई टू यू टू की फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल की बैठक का आयोजन कहाँ पे होने वाला है। आई टू यू टू आप सभी को जानते हैं, 4 देश है, इंडिया, इसराइल, यूएई और USA, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल कितने कंट्रीज देखने को मिलेंगे, तो टोटल 4 कंट्रीज इसको देखने को मिलेंगे। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है, UAE के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, कब से कब तक, 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, ठीक है।
आई टू यू टू जो है ये चार कंट्रीज का से बना हुआ है, एक फोरम है जो कि किसके ऊपर काम करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर, किसके ऊपर, इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आयोजन कहाँ हो रहा है, यूएई के अंदर, कहाँ हो रहा है, यूएई के अंदर। आगे बढ़ते हैं, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी रिसेंटली एक्सटेंडेड टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन टिल 22nd लॉ कमीशन। आपको याद हो 1955 में पहला लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया था, फर्स्ट लॉ कमीशन 1955, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन। और अब जो 22nd लॉ कमीशन है, इसकी जो अवधि है वो खत्म हो रही थी 20 फरवरी 2023 को, बट अब इसे बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो 31 अगस्त 2024 तक। लॉ कमीशन क्या काम करेगी, तो लॉ कमीशन जो है जितने भी लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको रिव्यू करने का काम करती है, और रिव्यू करने के बाद अपने रिपोर्ट्स को देने का काम करती है। तो अगस्त 2024, दो बच्चे जुड़ रहे हैं, ये रिविजन क्लास है इसलिए चीजें थोड़ी जल्दी चल रही हैं। हु इनॉग्रेटेड द इंडिया पवेलियन एट द 28th एडिशन ऑफ गर्ल फूड 2023। गर्ल फूड का आयोजन कहाँ पे हो रहा है भैया, तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो पाशुपति जी हैं, पाशुपति पारस जी हैं, पेरपो जो कि हमारे पारस जी हैं, जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हो जाएंगे, मिनिस्टर हो जाएंगे, इन्होंने इसको आयोजन इसको होस्ट किया है, ठीक है, पाशुपति कुमार पारस जी। आगे बढ़ते हैं, दुबई के अंदर हो रहा है, ठीक है। वॉट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डेवलप क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ वीट हैज बिन डेवलप बाई ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, स्थापना 1929, ठीक है। इसके द्वारा वीट की नई प्रजाति, नई क्वालिटी को ढूंढा गया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, SD3385। इसकी खासियत ये है कि हाई टेम्परेचर में भी पैदा किया जा सकता है, हाई टेम्परेचर को सहने की शक्ति इसके अंदर देखी गई है, वीट यानी कि गेहूं। आगे, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स लिस्टेड इन द वर्ल्ड्स टॉप 50 कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एज पर लेटेस्ट ग्रॉस हाउसहोल्ड क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। हाल ही में एक रिपोर्ट आया, कौन सा, ग्रॉस हाउसहोल्ड क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में जो 50 स्टेट्स को लिया गया है, उनमें से भारत की 9 स्टेट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, जो कि क्लाइमेट के मामले में, क्लाइमेट चेंज के मामले में बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है, या मैं कहूँ वल्नरेबल कंडीशन में है। तो कितनी कंट्रीज स्टेट्स हो जाएंगी, 9, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सारी। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 स्टार्टेड इन विच कंट्री, ठीक है, सिटी पूछ रहा है आपसे, कौन से सिटी में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन होता है, तो इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा भैया, पुणे के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है भैया, तो 23 से लेकर 25 फरवरी के बीच में इसको आयोजन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और पुणे की एक संस्था है, उसका आप मुझे नाम बताओगे, ठीक है। आगे, इंडियन रेलवे रिसेंटली अनाउंसेस गुरु कृपा यात्रा। गुरु कृपा यात्रा जो है ये शुरू किया जा रहा है, ये किससे बिलोंग करेगा, तो सिखिज्म, सिखिज्म से बिलोंग करेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो भारत गौरव ट्रेन्स हैं, भारत गौरव ट्रेन्स हैं, ये क्या होंगे करेंगे, तो जो सिख से रिलेटेड, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्पॉट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस स्पॉट्स हैं, वहां जाने का काम करेगी, यानी कि टूरिस्ट को उन जगहों पे लेके जाएगी जहां पे सिखिज्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एरियाज हैं। तो अप्रैल के अंदर ये शुरू होने वाला है। आगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज अप्रूव डेब्रीगढ़ एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर। यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पे महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलेगा, इस डैम का आप मुझे नाम बताओगे, ठीक है। यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेबरीगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये उड़ीसा का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, तो थर्ड थर्ड टाइगर रिजर्व होने वाला है किसका, उड़ीसा का।
और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। उड़ीसा, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है सारी चीजें। विच स्टेट हाई कोर्ट बिकम्स द फर्स्ट टू पब्लिश इट्स जजमेंट इन इट्स रीजनल लैंग्वेज, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसने हाल ही में क्या किया है अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने रीजनल लैंग्वेज में अपनी जजमेंट को रिलीज किया है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में जनरली क्या होता है, इंग्लिश में तो जजमेंट्स आते हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, और इस हाई कोर्ट ने क्या किया है यानी कि केरला हाई कोर्ट में, केरला के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादातर क्या बोली जाती है, मलयालम, और मलयालम भाषा में 21 फरवरी को जब हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज डे, उस उपलक्ष्य पे क्या किया गया है अपना जो जजमेंट है वो मलयालम भाषा में दिया गया है। तो केरला हाई कोर्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना, मैंने आपको बताया जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं, किसके, तो शिवसेना के, शिवसेना के, इनको नया वो भी मिला है क्या, तो चुनाव चिन्ह भी मिला है, मतलब इन पार्टी की नया चुनाव चिन्ह मिला है, तो इस चुनाव चिन्ह बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ के सीएम भी हो जाएंगे। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे उद्धव ठाकरे जी। आगे, हु रिसेंटली बिकम द 80 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन देता है, फाइड, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस, ठीक है। अगर फाइड की बात करूं तो फाइड के अंदर अगर आपके पास 2500 क्लासिकल पॉइंट्स होते हैं तभी आपको क्या मिलता है, क्लासिकल पॉइंट्स होते हैं तभी आपको क्या मिलता है, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। पहले ग्रैंड मास्टर भैया, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस लक्ष्मी जी, ठीक है, और अब 80 नंबर वाले ग्रैंड मास्टर कौन बनिया है, आई एम विग्नेश, कहाँ से हैं, चेन्नई तमिलनाडु से, चेन्नई से यानी कि तमिलनाडु से ये बिलोंग करेंगे। इनके भाई भी बने थे, कब बने थे, 2019 के अंदर, कौन से नंबर वाले, 59th नंबर वाले ग्रैंड मास्टर बने थे इनके भाई, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे, द थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है किसके किसके बीच में, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, अब्दुल फतेह एल सी सी, कौन हो जाएंगे, अब्दुल फतेह एल सी सी। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो 16 फरवरी से इसका आयोजन हो रहा है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका 16 फरवरी से आयोजन शुरू होता है। आगे, इंडिया एंड गैस लिंक द डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई एंड पे नाउ टू इनेबल इंस्टेंट एंड लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर। हाल ही में क्या हुआ है, जो सिंगापुर की पे नाउ है और भारत की यूपीआई है, इसने क्या कर दिया है, इसने लिंक कर दिया अपने आप को, इससे क्या होगा, तो जल्दी पैसे ट्रांसफर होंगे, साथ ही साथ कम समय में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं, ठीक है। तो पे नाउ जो है ये कौन सी देश का है, तो सिंगापुर का है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च जादुई पिटारा, जादुई पिटारा किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है एजुकेशन के फील्ड में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, ठीक है। और ये लॉन्च किस लिए किया गया है, तो जो फंडामेंटल जो नॉलेज है छोटे बच्चों के अंदर, इसके लिए जादुई पिटारा को लॉन्च किया गया है, कहाँ से, दिल्ली के अंदर से। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेट्रोल वेसल विल पार्टिसिपेट इन द आईडेक्स एंड नेविडेक्स 2023। आईडेक्स एंड नेविडेक्स के अंतर्गत कौन सी पेट्रोल वेसल जो है ये पार्टिसिपेट करेगी, वो कौन सी हो जाएगी, तो INS सुमेधा, कौन सी क्लास की है, INS सरयू क्लास की है ये। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम IATS डिप्लॉयड ऑन विच मेट्रो, क्या काम करेगी, तो मेट्रो का जो रूट है ना उसमें निगरानी रखने का काम करेगी, ठीक है, उसमें क्या करेगी, निगरानी रखने के। जैसे हमने हाल ही में पढ़ा था कि रेलवे के अंतर्गत क्या लॉन्च किया गया है, नेत्रा लॉन्च किया गया था। नेत्रा क्या करती है, तो रेलवे को ट्रैक करने का काम करती है, जो रेलवे इंजन्स है, रेलवे जो ट्रेन जा रही है उनको ट्रैक करने का काम करती है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। वैसे ही एक चीज को डेवलप किया गया जिसका नाम हो जाएगा IATS, इसको, और इसको डिप्लॉय कहाँ पे कर दिया गया है, तो दिल्ली मेट्रो के अंदर, ठीक है, दिल्ली मेट्रो के अंदर इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। आगे, वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन,
वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। किसके लिए डेवलप किया गया था? नेपाल के लिए किया गया था, क्योंकि यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा? माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। ये किस लिए किया गया था? तो जो उस रीजन है, जो माउंट एवरेस्ट वाला रीजन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आने वाले जो वेदर से रिलेटेड जो डिजास्टर्स आ सकते हैं उसके बारे में पहले से ही जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या हुआ? अब ये दोबारा टूट गया है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, बहुत सारी हवा चली, ठीक है, तो उस वजह से ये टूट गया था। तो इसे अब दोबारा रीडेवलप किया जा रहा है, जो कि 2026 तक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये कितनी हाइट की ऊंचाई में है? तो 8810 मीटर की ऊंचाई में इसको लगाया गया है। हु लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क? वर्ल्ड लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क का फाउंडेशन स्टोन हाल ही में किसके द्वारा? तो रोड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नितिन गडकरी साहब को। नितिन गडकरी साहब को क्या कहा जाता है? तो नितिन गडकरी साहब को क्या कहा जाता है? रोड मैन ऑफ इंडिया। और इसको प्यारे बच्चों कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा भी होने वाला है और पहला भी होने वाला है, क्या? दिव्यांग पार्क। दिव्यांग पार्क यानी कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए पार्क को खोला जा रहा है। तो इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो रख दी गई है किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे, इंडिया फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट जो है ये कहाँ पे हो रहा है भैया? तो ये हो रहा है धोलेरा के अंदर। धोलेरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धोलेरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। ये सेमी कंडक्टर प्लांट जो है प्यारे बच्चों कितनी लागत से बनने वाला है? तो 1,54,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। कौन बना रहा है? तो वेदांता और फॉक्सन कंपनी जो है ये इसको डेवलप कर रही है। कहाँ पे? तो गुजरात के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द एम पासपोर्ट पुलिस ऐप? कौन से मंत्रालय ने हाल ही में एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कौन सी हो जाएगी? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। कहाँ लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन है उसको जल्द ही किया जाए, ठीक है। पासपोर्ट के लिए जो वेरिफिकेशन होता है उसको जल्दी, उसके अंदर तेजी लाने के लिए इसको किया गया है। आगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग से पहले कौन सी बॉडी थी? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कब काम करना शुरू करता है? तो नीति आयोग काम करना शुरू करता है 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अंदर वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ के पद पे कौन थे अभी तक? तो सीईओ के पद पे अभी तक थे परमेश्वरन अय्यर। ये कहाँ चले गए हैं? तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे चले गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे चले गए हैं। और इनकी जगह पे चयन किसका हो गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम जी का। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। आगे, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक? आपसे पूछ रहा है कि जो डस्टलिक एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होता है। कौन सा? डस्टलिक। इसी के बीच में एक काजिंद एक्सरसाइज भी होता है, ठीक है। कौन सा एडिशन हो जाएगा? फोर्थ एडिशन हो जाएगा। ये कब से हो रहा है प्यारे बच्चों? तो 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये हो कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे, उसके बाद मूसी, मूसी नाम की एक एक्सरसाइज हो रही है, मूसी टू। किसके किसके बीच में? तो साउथ अफ्रीका के बीच में, चाइना के बीच में और रशिया के बीच में, ठीक है। आगे, विच विल होस्ट द वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023? वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? पिंक सिटी के अंदर। कब से कब तक? 21 से 23 फरवरी के बीच में। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। आगे, अ बेल इन ऑनर ऑफ इंडियाज लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैज बीन प्लेस्ड इन श्री मुक्तिनाथ टेम्पल। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा। और यहीं पे
एक बेल जो है, जो घंटा होता है उसको स्टैब्लिश किया गया है, एक बेल को स्टैब्लिश किया गया है इनके सम्मान के लिए। किसके सम्मान के लिए? जो सीडीएस विपिन रावत जी थे, सीडीएस विपिन रावत जी जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस भी थे, ठीक है। इसको डेवलप कहाँ पे किया गया? नेपाल के अंदर। आगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में क्या हुआ है, तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री के अंदर कितना सेफली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ पे? नीदरलैंड के अंदर। और नीदरलैंड के अंदर कहाँ पे हो रहा है? हैग के अंदर, ठीक है, हैग के अंदर। हैग क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीदरलैंड के हैग के अंदर जो मिलिट्री के अंदर हम एआई को यूज करते हैं, वो कितना सेफली हम इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस नोटो साइंटिफिक डायलॉग रिसेंटली? नोटो साइंटिफिक डायलॉग, नोटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट किसका हो जाएगा फुल फॉर्म? नोटो का फुल फॉर्म हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये साइंटिफिक डायलॉग को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो नोटो को ऑर्गेनाइज कर रही है कौन? तो मांडविया, मांडविया, मांडविया जी किसके हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। आगे, डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज टू बी सेटअप इन विच सिटी, ठीक है। डॉक्टर साइरस पूनावाला कौन से कंपनी से बिलोंग करेंगे? सीरम कंपनी से, ठीक है। आप मुझे बताओ कोविड में आप में से कौन सा, किसने कौन सा वैक्सीन लिया था? कोविशील्ड किसने लिया था और कोवैक्सीन किसने लिया था, ठीक है। कोवैक्सीन किसने बनाया था? भारत बायोटेक, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था। और कोविशील्ड किसने बनाया था? सीरम कंपनी ने बनाया था, ठीक है। और ये किसकी कंपनी हो जाएगी? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला। अब बोल रहा है कि इसके द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको स्टैब्लिश कहाँ पे किया जा रहा है, तो हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना के अंदर। आने वाले फ्यूचर एपिडेमिक से बचने के लिए, पहले से तैयार रहने के लिए इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने हाल ही में नेजल वैक्सीन को भी इंस्टॉल किया है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन। उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनकोवैक, इनकोवैक। आगे, अ न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश, अमृत कलश को लॉन्च किसने किया है? एसबीआई ने। किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया है, अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया है। साथ ही साथ जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड पीपल हैं जिनको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, उनके लिए किया है। कितने दिनों के लिए? 400 दिनों के लिए। इसके अंदर क्या होने वाला है? तो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है किसके ऊपर? फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। आगे, विच कंट्री इलेक्टेड टू चेयर द यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट 2023? इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। आगे, ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रुचिरा काम्बोज जी। ये कौन है? तो ये है भारत की रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे? इंडिया की तरफ से, जो यूएन के अंदर, इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? रुचिरा काम्बोज जी। तो ये वही महिला जी हैं, ये वही महिला हैं। ये कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गटेरस। कौन है? एंटोनियो गटेरस, जो कि क्या हो जाएंगे? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेक्रेटरी हो जाएंगे। आगे, विच कंट्री वॉन गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में कौन सी कंट्री ने गोल्ड जीता है? तो इंडिया ने क्या जीता है? ब्रोंज जीता है। इंडिया ने क्या जीता है भैया? तो इंडिया ने जीता है ब्रोंज। कोरिया ने क्या जीता है? सिल्वर। और चाइना ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ठीक है। आगे, हाउ मेनी चीता रिसेंटली रीच इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? पता है आपको, नमीबिया से हमने, नमीबिया से हमने नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे एनिवर्सरी पर, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पे हमने क्या मंगाए थे? 8 चीते मंगाए थे, जिसमें से 5 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे। इनमें से एक महिला चीता का नाम था आशा, ठीक है, आशा। अब दोबारा साउथ अफ्रीका से डील साइन किया गया था हाल ही में, जिसमें
जिसमें हम 100 चीते मंगाने वाले हैं। इन 100 चीतों को हम रखेंगे कहाँ, कूनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसका जो दूसरा खेप है वो आ गया है, जिसके अंदर 13 चीते लाए गए हैं। कितने चीते, 12 चीते। आगे, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। हाल ही में कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट, उसने क्या लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री आश्रय योजना कौन सी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश। मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, सीएम कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, आगे, किसके लिए ये, तो ये है डेस्ट्यूट महिलाओं के लिए, यानी कि जिनको समाज ने नकार दिया है। ठीक है, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनको उनके बच्चे नहीं देखते हैं, ओल्ड पर्सन्स। ठीक है, या मैं कहूँ जो अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं, इनके लिए इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है, सौराष्ट्र ने जीता है, और ये इनका कौन सा नंबर का हो जाएगा, दूसरा टाइटल हो जाएगा, दूसरा टाइटल हो जाएगा किसका, तो सौराष्ट्र का। आगे, विच एडिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक हुई है, तो 49th नंबर की बैठक हुई है। इसको हेड किसने किया है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाएगी, निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी। आगे, सागर परिक्रमा लॉन्च्ड, पूछ रहा है कि सागर परिक्रमा का जो फर्स्ट फेज है, इसको कब लॉन्च किया गया, तो सागर परिक्रमा का फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। ठीक है, 2022 के अंदर सागर परिक्रमा फेज वन लॉन्च किया गया था, और अब क्या लॉन्च किया गया है, 2023 में फेज टू लॉन्च किया गया है। फेज टू लॉन्च किया गया है कहाँ से, हजीरा पोर्ट से लॉन्च किया गया है। कहाँ से, हजीरा पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया है, तो 2022 में पहला फेज। आगे, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेज इट्स फर्स्ट प्रॉन फेयर, प्रॉन फेयर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, पंजाब के अंदर। भगवंत मान क्या हो जाएंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे, विच सिटी विल होस्ट टेक्नोटेक्स 2023, टेक्नोटेक्स 2023 जो है, इनमें से कहाँ पे होने वाला है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन होने वाला है। किसके लिए हो जाएगा, तो कपड़ों के लिए होने वाला है बेसिकली। ठीक है, आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई चैटबॉट्स लॉन्च बाय यूआईडीएआई, यूआईडीएआई के द्वारा जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या हो जाएगा, आधार मित्रा। आगे, उसके बाद एक और था, लेक्सी को लॉन्च किया गया, बनाया किसने है, वेलोसिटी ने बनाया है। किसने बनाया है, वेलोसिटी ने बनाया है। ये क्या काम करेगी, तो ये ई कॉमर्स के अंतर्गत काम करने वाली है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर विलेज के अंदर, जो कि कहाँ हो जाएगा, हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर। आगे, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 वॉज लॉन्च इन विच स्टेट, हाल ही में 19 फरवरी को क्या हुआ है कि डॉक्टर एपीजे लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया, जिसमें 150 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, और ये 150 सैटेलाइट्स किसके द्वारा बनाए गए थे, तो बच्चों के द्वारा बनाए गए थे। वन लाइनर्स देख लेते हैं टोटल, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 23 फरवरी। ठीक है, हर साल हम 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो अजय बंगा जी हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है किसके द्वारा, तो जो बिडन के द्वारा, एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अभी नॉमिनेशन हुआ है सिर्फ। हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, तो ऑल इंडिया टाइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पे, तो दिल्ली के अंदर केडी यादव आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा वहां पे। कब किया है, तो 24 फरवरी को। आगे, नैरोबी के अंदर प्यारे बच्चों क्या देखने को मिला है, तो एक नया टाइप का क्या देखने को मिला है, मलेरिया देखने को मिला है। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एनोफिलिस स्टेफेंसी, एनोफिलिस स्टेफेंसी। आगे, खाटू श्याम मेला, जिसे हम लक्की मेला के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे शुरू हो चुका है, सीकर राजस्थान के अंदर शुरू हो चुका है। कब से, तो 22 से लेकर 4 मार्च के बीच में कहाँ पे हुआ है, तो खाटू श्याम टेम्पल के अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने बरिसू कनाडा दिम डिमवा एक कल्चरल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, तालकोटरा स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। कब, 25 फरवरी को।
इंडिया वुमेन ने हाल ही में एशियन लॉन बॉलिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मलेशिया के अंदर। कब से कब तक? 17 से 23 फरवरी। एडिशन कौन सा है भैया? तो एडिशन है 14। ठीक है, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, जिनके सीईओ हो जाएंगे कौन? तो सज्जन जिंदल जी। इनको क्या मिला है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड में कॉम्पीट करने जाने वाले हैं। आगे कनक रेली, ये कौन थी प्यारे बच्चों? तो ये एक डांसर थी। कौन से टाइप की डांस करती थी? मोहिनी नृत्यम। और इनका हाल ही में 85 साल की उम्र में डेथ हो गया है। मिलेट फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? मुंबई के अंदर। कब से कब तक? 22 से 24 फरवरी के बीच में। अमित शाह जी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। गुलाब चंद कटारिया जी हाल ही में गवर्नर का शपथ लेते हैं कहाँ पे? असम के अंदर। क्योंकि आप सभी को पता है रिसेंटली जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 12 स्टेट के गवर्नर्स और एक यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को चेंज किया था। हाल ही में मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, उसने स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सजेस्ट किया है कि आप लोग जो बच्चों के एडमिशन है वो 6 साल में लीजिए, और 6 साल में उसको कम से कम एक क्लास में होना चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी रीजन के लिए। जो आप कैंडिडेट हैं जिनका नाम है शैली ओबराई, वो कौन? वो मेयर का चुनाव जीत गई हैं। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं। जेपी नड्डा ने क्या लॉन्च किया? किताब लॉन्च की है जिसका नाम हो जाएगा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। आगे सीएम भगवंत मान ने 5th प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है 23 से 24 फरवरी के बीच में। हाल ही में लखनऊ के अंदर भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन कनेक्ट 2 सीबीआई से रिलेटेड है। पहला ऑपरेशन सीबीआई ने लॉन्च किया था, दूसरा भी सीबीआई ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? पंजाब के अंदर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्कैम को देखने के लिए। सिटल यूएसए की एक स्टेट है, एक सिटी है, जिसने यूएसए के अंदर पहला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड लॉ को पारित किया है। पोएट है कौन? वी मधुसूदन नैयर जी। इनको क्या मिला है? तो इनको जनप्पा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक मलयालम लिटरेरी आर्ट के माहिर थे। संसद रत्न अवार्ड दिया गया है 2023 का। ये अवार्डीज का लिस्ट है। आगे सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में क्या इनॉग्रेट किया है? तो मुखाब को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? रियाद के अंदर। ठीक है, रियाद के अंदर। आगे पिनराई विजयन जी, ठीक है, इन्होंने कोचीकुड़ी के अंदर बायोडायवर्सिटी कांग्रेस को इनॉग्रेट किया है। किसके लिए? तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। आगे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 76 BAFTA अवार्ड 2023। 76 BAFTA अवार्ड दिया गया है। ये सारी लिस्ट है, इसको एक बार आप चेक करोगे। 69 दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है भैया? रणवीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। ठीक है, आगे बेस्ट मूवी RRR। हरमनप्रीत कौर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 3000 T20 रन। पहली इंडियन वुमेन बन गई है जिसने 3000 T20 रन बनाए हैं और सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले हैं। कितने? 150। विराट कोहली फास्टेस्ट टू स्कोर 25,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि तीनों फॉर्मेट मिला के सबसे कम मैच में 25,000 रन की फीट तक पहुंचने वाले पहले प्लेयर विराट कोहली जी। आगे कार्तिक सुब्रमण्यम भारत के हैं, ठीक है, भारतीय मूल, मतलब भारतीय ओरिजिन के हैं, जिसने क्या जीता है? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है। ये इनका पिक्चर हो जाएगा। आगे अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है क्या? शिव श्रुति पार्क। ठीक है, किसके उपलक्ष्य पे? तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे। इंटरनेशनल मदर टंग डे हर साल 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब से? 1999 से। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का हाल ही में 20 फरवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया? तो स्टेटहुड को डे को सेलिब्रेट किया। इन दोनों की स्थापना 53rd अमेंडमेंट 1986 के तहत होता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुई है किसकी? तो वो आयुष्मान खुराना जी की। सॉइल हेल्थ कार्ड डे हर साल हम 19 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब से कर रहे हैं? 2015 से। उसके बाद दो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप है, एक हो जाएगा खालिस्तान टाइगर फोर्स और एक हो जाएगा गजनवी फोर्स। इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से एक्ट के तहत? तो 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। ललिता लक्ष्मी
इनको अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर किसका, तो पीएमओ ऑफिस का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। आगे फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड सॉरी फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक और सेकेंड G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की बैठक हाल ही में बेंगलुरु के अंदर 22 से 25 फरवरी के इसके अंदर इसका आयोजन होता है। ठीक है, श्री सर्वेश्वर महादेव की एक मूर्ति, ठीक है, लगभग 110 फीट की ये मूर्ति है मेरे बच्चों, कितनी फीट की है, इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, वडोदरा गुजरात के अंदर। एस जयशंकर जी ने सरदार पटेल जी की मूर्ति को इनॉग्रेशन किया है कहाँ पे, फिजी के अंदर, जहाँ पे अभी हिंदी कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। 393 बर्थ एनिवर्सरी छत्रपति शिवाजी महाराज को हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है, कहाँ पे, आगरा फोर्ट दीवाने आम के अंतर्गत। तो यहाँ तक चीजों को रखते हैं, मिलते हैं कल। ये हमने पूरे वीक का फटाफट रिविजन कर लिया, समय ज्यादा लग गया, जल्दी से रिवाइज करना था, तो हमेशा की तरह कल से रेगुलर क्लासेस देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।